दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे बैड न्यूज के 14वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म के अब तक की टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 8 करोड़ 35 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 29 करोड़ 82 लाख का कलेक्शन किया था, अपने पहले हफ्ते में 42 करोड़ 60 लाख का, अपने दूसरे वीकेंड में 8 करोड़ 74 लाख का कलेक्शन किया था। वही फिल्म ने अपने 11वें दिन में 1 करोड़ 20 लाख का, 12वें दिन में 1 करोड़ 35 लाख का और अपने 13वें दिन में बुधवार के दिन में लगभग 1 करोड़ 28 लाख का कलेक्शन किया, जिससे फिल्म के 13 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 55 करोड़ 17 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 65 करोड़ 80 लाख हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 31 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म के 13 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 96 करोड़ 80 लाख हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 14वें दिन की कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 14वें दिन में इंडिया में लगभग 1 करोड़ 20 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि फिल्म का बजट तकरीबन 57 करोड़ है। अब तक की कलेक्शन के हिसाब से फिल्म बॉक्स ऑफिस में एवरेज साबित हुई है। फिल्म की कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा सेमी हिट हो पाएगी। वहीं बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 6.2 रेटिंग मिले। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी, आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।